हाय फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि हम अपने मोबाइल से अपने डेस्कटॉप में एक मिरर इमेज बना के अपनी फ़ोटोज़ या अपने एप्लीकेशंस को ब्राउज़ कर सकते हैं? तो मैं आपको आज इसी के बारे में बताऊंगा कि हम अपने मोबाइल से डेस्कटॉप में मिरर इमेज कैसे बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके लिए आपको दो सॉफ्टवेयर लोड करने पड़ेंगे, एक आपको अपने मोबाइल में, दूसरा आपको डेस्कटॉप में। तो उनका नाम है, जो अपने मोबाइल में करोगे आप वो होगा मिरर ओपी सेंडर, और जो दूसरा आप अपने डेस्कटॉप में करोगे वो होगा मिरर ओपी रिसीवर। तो चलिए आप हम चलते हैं और आपको बताता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर कैसे लोड करना है। जैसे कि मैंने अपना ब्राउज़र ऑन किया है और इसमें लिख के मैंने पहले ही लिख दिया था www.mirror.op.com। तो ये साइट खुल के आ गई है मिरर ओपी की। इसमें आप लेफ्ट साइड देखिए, रिसीवर सॉफ्टवेयर्स, विंडोज़ रिसीवर, मैक रिसीवर, आईपैड रिसीवर और एंड्रॉयड रिसीवर है। तो हम ये विंडो रिसीवर बेटा नाम से लिख के आया, बेटा नाम से। तो ट्राई नाउ में क्लिक कर देंगे तो ये लोड फाइल लोड हो जाएगी। जैसे ये फाइल लोड हो गई है, ये फाइल विनजिप से खुलेगी क्योंकि ये कंप्रेस्ड फाइल है। तो हम इसे ओपन करेंगे विनजिप से और बाद में ये हमें ऐसे दिखेगा। जैसे हम इसे लोड कर देंगे तो ये देखिए मेरा ओपी मेरे उसमें लोड हो गया है। और जो दूसरा सॉफ्टवेयर हमने अपने मोबाइल में लोड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। वो मैंने अभी लोड किया ही है अपने मोबाइल में और वो आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है। ये देखिए, जैसे ये मेरा ये डेस्कटॉप कनेक्ट हो गया मेरे मोबाइल से, रिसीवर नेम आ गया है और ये देखिए ये ऑन हो गया है, ये ऑन हो गया है। तो हम पहले होम में जाएंगे यहाँ और फिर हम प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में हम मिरर ओपी सेंडर हमने लोड करना है, मिरर ओपी सेंडर। तो ये देखिए मिरर ओपी सेंडर, जैसे मैं लिखूंगा आपने इसमें मिरर ओपी सेंडर आ गया है। आपने ये मिरर ओपी सेंडर ये इंस्टॉल कर देना है। जैसे मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ये देखिए मैं ओपन करता हूँ, ये ओपन हो गया है। अब होम में यहाँ मैं अपने पूरे ये अपने एप्लीकेशन चेक कर सकता हूँ, अपने वीडियोस देख सकता हूँ। ये जो मैं चला रहा हूँ ये मेरे मोबाइल से ये डेस्कटॉप में आ रहा है। देखिए ये कितना आसान था फ्रेंड्स, आपको कितना आसान था, देखा अच्छा लगा आपको देखने में? बड़ा आसान है। तो आप इसे ऐसे ही लोड कर सकते हैं। एंड आपने जो ये मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको सही लगता है तो शेयर करिए और लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। ओके, बाय, थैंक यू।